हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, फ़िश कड़ी और फ़िश फ्राई की रेसिपी, वो भी कोकनी स्टाइल में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तो फिश फ्राई का मसाला तैयार करने के लिए 4 से 5 लहसुन को क्रश करके डालें, या लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। 1.5 टीस्पून के करीब हल्दी डालना है, 2 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर डालेंगे और 4 बड़े चम्मच मालवानी मसाले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मालवानी मसाले के अंदर ही फिश फ्राई बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, फ्लेवरफुल लगती है। उसके बाद नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, तो हमने 1 टीस्पून के करीब डाला है। कोकन वाला टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर कोकम अगाड़ का इस्तेमाल किया है। शरबत बहुत ही इजीली अवेलेबल मिलता है मार्केट में, तो उसको मैंने 3/4 कप के करीब इस्तेमाल किया है। तो इसे देखें आप, मसाले के अंदर आप इसे इस्तेमाल करके देखें, कलर पूरा चेंज हो जाता है, पूरा डिफरेंट कलर भी डिफरेंट होता है, और उसका जो टेस्ट फ्लेवर है ना मसाले का, पूरा डिफरेंट होता है, पूरा बदल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाला है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, और जो 3/4 कप के करीब यहाँ पर मैंने कोकम का शरबत का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कलर पूरा चेंज हो गया है, और इसी से मछली का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कोकनी स्टाइल कोकन में आप जाकर देखो ना, तो इसी स्टाइल से ना आपको फ़िश फ्राई करेंगे, जिससे उनका जो फ्लेवर है, उनकी जो फ़िश फ्राई का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अलग लगता है यहाँ से। तो देखें यहाँ पर अच्छे से फिश के ऊपर है ना, अच्छे से कोट करना है मसाले को, एक एक फिश लेना है, एक एक फिश के ऊपर इस तरीके से मसाला लगाना है। अब मैरिनेशन के लिए यहाँ पर आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, आपके पास जितना वक्त हो आप उस हिसाब से रख लें। तो मैंने यहाँ पर 1.5 घंटे तक के लिए रखा था। उसके बाद अभी हम फिश कड़ी बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए 8 से 10 लाल मिर्च लेना है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लेना है, प्याज डालना है, मीडियम साइज की प्याज का 1/4 हिस्सा मैंने इस्तेमाल किया है, सिर्फ वो भी ग्रेवी की थिकनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब जीरा डालना है, 4 बड़े चम्मच के करीब धनिया डालेंगे, और गीला नारियल जो है, गीला नारियल मैंने पूरा एक अखा इस्तेमाल किया है, पूरा होल गीला नारियल का इस्तेमाल किया है। मैं सारे मसालों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है, पेस्ट बनाकर साइड में रख दे। एक पतीला लेना है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब तेल डालें, 2 कड़ी पत्ता डालें, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके अंदर ये मसाला डाल देना है। अब मसाले को हम यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा तेल में मिक्स कर लें। उसके बाद पानी डालेंगे, पानी की क्वांटिटी है ना, आपको जितनी थिकनेस और जितना कड़ी चाहिए उस हिसाब से डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी डाला था, क्योंकि जो मच्छी फिश कड़ी होती है कोकनी स्टाइल में, वो ज़्यादा ना थिक होती है और ना ही ज़्यादा पतली होती है। तो यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला था। पानी डालने के बाद नमक डालेंगे, नमक की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब डाली है, आप चक्कर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर उबलने के लिए रख देना है, और यहाँ पर कोकम का भी इस्तेमाल करेंगे, तो कोकम 5 से 6 डालना है। कोकम डालने से फिश कड़ी के अंदर एक अच्छी सी खटास सी आती है, और उसके बाद देखिए धनिया डालकर कट करके आपने पकने के लिए रख देना है। जब अच्छा सा उबाल आ जाए कड़ी के अंदर, उसके बाद हम फिश डालेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखा है मैंने। अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए फिश कड़ी के अंदर एक अच्छा सा उबाल आने लगा है, तो उबाल आने के बाद मछलियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर हमने मछलियों की क्वांटिटी जो है वो 1/2 किलो से भी कम लिया है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जितना फ़िश इस्तेमाल करना है कड़ी के अंदर। तो यहाँ पर अभी हमने ऑयल सेपरेट होने तक और फ़िश पकने तक अच्छे से ढककर पकाना है। उसके बाद अभी फ़िश फ्राई की तैयारी करते हैं। देखिए ऑयल सेपरेट होने लग गया है, अभी हम फ़िश फ्राई की जब तक तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लेट में चावल का आटा लिया है, और बारीक रवे का इस्तेमाल किया है, अच्छे से मिक्स करना है, और इस तरीके से कोट करना है मछली को, और फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने लोखंड का तवा लिया है, जिससे बहुत क्रिस्पी फ़िश फ्राई होती है। तो देखिए इस तरीके से आपने फ़िश को फ्राई करना है। जो हमने कोकम का शरबत डाला है, उससे फ़िश की जो फ्लेवर है बहुत डिफरेंट आता है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाया है, जिस तरीके से हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बस उसी तरीके का फ्लेवर आपको मिलेगा कोकनी स्टाइल में। तो आप इस रेसिपी को देखकर ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएंगे। तो इस तरीके से आपने फ़िश फ्राई करना है, अच्छे से एकदम क्रिस्पी करारे बनके तैयार हो जाएंगे, और सर्व करना है। और मसाले को है ना, यहाँ पर फ़िश के मसाले को एकदम ओवर कुक नहीं करना है, हल्का हल्का सा गीला ही रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में थोड़ा सा हल्का सा गीला ही रखते हैं मसाले को, उसी तरीके से आपने भी अच्छे से फ्राई करना है।
तो इसी तरीके से सारे फिश को फ्राई करना है। इस तरीके से तवे में कॉर्नर्स में रखने से ना फिश बहुत ही क्रिस्पी करारी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए फिश कड़ी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है हमारी, ऑयल सेपरेट हो गया है, तरी ऊपर आ चुकी है और आप चाहे तो खटास के लिए और कैरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक कुई डाला है कैरी की, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करें फिश की कड़ी और फिश फ्राई को, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएंगी। तो छोटी छोटी टिप्स है, बस उसको फॉलो करना है, मसाले को लगाना, मसाले का मैरिनेशन, मसाले का प्रिपरेशंस, उसको फॉलो करें, आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।